जमीनी विवाद के चलते कटेरा थाना क्षेत्र में एक गांव में चली गोली। गोली चलने में एक महिला की हुई मौत। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। झांसी के जमीनी विवाद में चली गोली, महिला की मौत, पति की हालत गंभीर। झांसी के कटेरा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम लारोन में जमीनी विवाद को लेकर गोली चली, जिसमें गांव के नारायण सिंह और उसकी पत्नी सुख कुमारी को गोली लगी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति नारायण सिंह के हाथ में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। साथ ही महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उक्त घटनाक्रम के ग्राम वर्तमान प्रधान पर आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला संवाददाता अमित राज ने गोली मारी हमें, हमारी पत्नी का, हमारा इनका जमीन का चल रहा था विवाद। एक साल से विवाद चल रहा, चार बार पंचायत में जुड़ गई, पंचायत में हल नहीं भाई के बाद में जितने हम तैयार हो जाए पैसा दे भी तो वे कब करने 50 लाख चाहने को 60 लाख चाहने देगा जी मौके ना क्या एक करोड़ में ना दें। ठीक है, बाद में विवाद चलत रहो फिर काल से अब एक दिन दस अब पिछली माने 8-8 दिन पहले भंडारा होता तो जगदम मरना कितने बुलाओ हमें 11 बजे रात में तो बोले कि ना से कछु आदमी बोले बोले तुम्हें तो 27 लाख रुपया दो और आधो कुगा दो अपनों और आधी काल से जागा दो कुगा पे यानी कि ऐसा ना हो पाए। मैं बोले तुम्हें ऐसा कर नहीं जा बोले पीतम तो बिल्कुल ईमानदार है, वो बेईमान है ही नहीं है। यानी कि बेईमान हम अन्य है जो हमारी जांगा ले जा रहे तो हम जब आदो कुगा है हमारे चाचा के लड़का ने आदो है हमने आदो तुम दिखा लो हमारा कुगा तो हमने बचा ही नहीं जा बिल्कुल। ठीक है, बाद में 5 तारीख को टीका भाव लेकिन 4-5 दिन से हमें डेली बुलाओ जाओ 10-11 बजे रात में। कल रात के हमें 3 जने आए बुलावे, बोले दरोगा जी बैठे होते और पीतम बैठे, राजेंद्र बैठे, हनुमत बब्बा बैठे और बल्लन खड़े। चलो तुमने 20-22 लाख रुपया है उसी की मैं तुम्हारी समस्या नहीं पड़ गए तो हम दो हम और हमारी पत्नी दोनों जने जब मेन गेट से लोग आ गए हम जी कहाँ हैं बोले बकरी में बैठे बकरी में कौन से कहा दरोगा जी कहाँ हैं बोले दरोगा जी का करने बोले माँ चौधरी जी हनुमत सिंह बोले बोले माँ चौधरी माथे जंगा पर कब्जा न कर दे और काउत आके जब तक ये जिंदा रहे जब तक ये शिकायत ही करे थे तो धक्का दे के हमें काड़ो पीछे के गेट से तो हमारी पहले गोली जी हमें घालन लगे तो पत्नी ने हमें तो धक्का तो पत्नी यहाँ गई तो पत्नी में खड़ी गोली थे तो ये गिर पड़ी ये गिर पे के बाद में काउत फिर ने गोली घाली सौ की हमारे ऊपर रखी थे तो एक हाथ हमारे जो पकड़े थे बल्लन खड़े तो दूसरे हाथ से हमने उसको धक्का दो तो अद्दी इतने ना खा लेकर इतने घड़ी तो इतने होकर चली गई। ठीक है, बाद में फिर हम कर दी गए ठाड़े रहे फिर एक फूलती में कादूस लगा के एक मुड़ी गई हमारी मुड़ी में तो कान में होने कर गई बस इतने में हम गए पड़े 3.5 लाख रुपया 9 बीघा जा कछु रखी थी हमने 2013 में कछु 2016 में और 6 लाख रुपया में अब पिछली साल का अवधि करवाई थी हमने इन्हें बोले काजू हमको ब्याज ले रहे तुमसे लिखी थी। रात में थाना क्षेत्र कटेरा में लारेन गांव में नारायण सिंह और उनकी पत्नी को गोली लगी थी, जिसमें नारायण सिंह की पत्नी सुख कुमारी हॉस्पिटल ले जाते समय एक्सपायर हो गई है और नारायण सिंह के हाथ में भी गोली लगी है। इसमें वो गांव के प्रधान का पे नाम आ रहा है तो इस पर जांच की जा रही है और इसमें पोस्टमार्टम करा के और इनकी इलाज चल रहा है और इसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गांव में लाइन आर्डर की कोई समस्या नहीं है लेकिन एहतियातन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है और हर एंगल से इसमें जांच की जा रही है। तथ्य के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा जांच के बाद उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई तहरीर दी है क्या? हाँ, उन्होंने एक तहरीर दी है तो उस पर अभियोग पंजीकृत करा के विधिक कार्रवाई की जाएगी।